अल्लाम एंड वेलकम बैक टू अम्बर्ज इन चैनल आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हम फिर रहे हैं जनाब सियालकोट में हम लोग गए थे सियालकोट और अभी के कज़न रहते हैं वहाँ पर तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी हमारी और लाहौर के अलावा स्पेसिफिकली मैंने पंजाब की कोई और सिटी नहीं देखी है तो हम बच्चों के साथ गए थे वहाँ पर हमने वन नाइट स्टे किया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ, हम लोग वापस आए थे सियालकोट तक का रास्ता जो है वो हमारे घर से मीन लाइक like, हमारे घर के बहुत करीब ही एम है तो अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि वन आवर एंड फिफ्टी मिनट्स के अंदर हम पहुंच गए थे सियालकोट और आ, वहाँ से वापसी पे तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा जल्दी ही आ गए थे जाते हुए ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हम रास्ता भूल गए थे तो हम बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ फिर फिर आकर तो फिर फाइनली एम टू पर पहुँचें और उसके बाद में तो खैर इतना टाइम नहीं लगा हमें सियालकोट पहुँचने में अच्छा शहर है हम लोग गए थे सैचरडे वाले दिन तो ये था कि सैचरडे एंड संडे ही ऑफ़ होता है वहाँ पे बहुत सारी दूसरी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आ, आ, फ्राइडे को ऑफ़ होता है बट वहाँ पर सियालकोट के अंदर संडे को ही ऑफ़ होता है तो ये जो क्लिप्स हैं ये आप देख रहे हैं ये हम सिटी के अंदर रोमिंग अराउंड हो रहे थे हम घूम फिर रहे थे और जो स्टार्ट में आपने क्लिप देखा उसमें वहाँ की जो हाई कोर्ट आई गेस हाई कोर्ट ही है वो या जोन सी भी सेशन कोर्ट है वो नज़र आ रही थी और ये कैंट का एरिया है यहाँ पर ये जिस तरह से हमारे यहाँ गुलशन इकबाल पार्क है ये इस तरह का फातमा जना पार्क है आई गेस और अच्छा शहर है कैंट का एरिया मीन हम लोग जहाँ गए थे वो तो कैंट एरिया था तो वो मीन साफ ही था मुझे सही लग रहा था अच्छा लग रहा था और यहाँ पर फिर हम लोग जिस तरह से हमारा फोर्ट है इस तरह से एक प्लेस है यहाँ पर हम वहाँ गए थे वहाँ जाके हमने चाट वग़ैरह खाई थी दही भले खाए थे एंड चाट वग़ैरह खाने के बाद इन्जॉय करने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे तो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस शालकोट एक बहुत ही इम्पॉटेंट सिटी है पाकिस्तान की लाइक यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो बनती हैं और ये जो फ़ुटबॉल यूज़ होती है फ़ीफा uh, में वो यहाँ की ही यूज़ होती है चिराग सन्स चिराग दीन एंड अला दीन दो बहुत फेमस नेम्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी के वो भी यहाँ पर बनते हैं और कटलरी वगैरह के लिए भी बहुत फ़ेमस है तो सियालकोट अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एंड एज़ एवरी वन नोज़ के इलामा इकबाल यहाँ पर पैदा हुए थे और उसके अलावा भी जो सियालकोट है आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो बिज़नेस क्लास नॉर्मली रहती है यहाँ पर और ये जो है यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो उन्होंने ख़ुद बनवाया है तो इट्स अ वेरी ग्रेट सिटी तो इसके साथ ही मैं कर रही हूँ इस थोड़ी सी इंफॉमेशन के साथ वीडियो का एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मेरी दुआ में आप लोग हमेशा शामिल हैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और बड़ी मज़ेदार सी वीडियो के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग